आज मैं आपके साथ साउथ इंडिया की फेमस पके केले की मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। एक बार आप अगर इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे, और अगर किसी के भी सामने इस मिठाई को आप सर्व करेंगे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसे पके हुए केले से बनाया है। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 7 केले लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं, और मिक्सर ग्राइंडर में हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें हमें पानी नहीं डालना है। इस मिठाई को हम और भी हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे गुड़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप गुड़ को बारीक कट करके ले लिया है। आप चाहें तो चीनी के साथ इसे बना सकते हैं। गुड़ में हम 3-4 चम्मच गर्म पानी डाल करके इसे ढक करके रख देंगे। कुछ देर में यह पिघल जाएगा। और अब एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाल लेंगे, और इसमें हम काजू और बादाम को हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। और अब हम इसमें 4 टेबल स्पून सिंघाड़े का आटा ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें सिंघाड़े का आटा या सूजी का आटा या गेहूं का आटा ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इन सभी चीज़ों को स्किप करके केवल केले का ही मिठाई बना सकते हैं। तो आटा को भूनने के बाद हमने इसमें केले का जो पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर लेते हैं, और इसे बढ़िया से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारा मिक्स घी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच घी और मिला देंगे, और इसे कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे। जितना बढ़िया से ये हलवा भुनेगा उतना ही इसका स्वाद निखर के आएगा। तो यहाँ पे गुड़ हमारा पिघल गया है। आप चाहें तो गुड़ को छान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा गुड़ साफ दिख रहा है, तो हम इसे हलवा में मिक्स कर लेते हैं। इस समय हमने गैस फ्लेम बढ़ा दी है, और इसे बीच में हम जिस भी थाली प्लेट या बर्तन में इस मिठाई को हमें जमाना है उसे घी से ग्रीस करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हमने 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल लिया है, और 1 पिंच के करीब केसरिया रंग ऐड कर लिया है, और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम हमने मीडियम कर लिया है, और अब हम इसमें फ्राई किए हुए काजू और बादाम मिक्स कर लेंगे, और कंटिन्यू चलाते हैं। और बीच बीच में जब हमारा हलवा घी एब्जॉर्ब कर लेता है तो 1 चम्मच घी हम इसमें मिक्स करते रहेंगे, और देख सकते हैं हमारा हलवा बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। और इसको आप चलाते हैं तो एकदम ये बिल्कुल मावा की तरह फोल्ड हो रहा है, बिल्कुल कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, और एक कैसा घूम रहा है हमारा हलवा, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो इसे हम जमाने के लिए ट्रे में डाल देते हैं, और स्पैचुला की हेल्प से इसे ऊपर से बढ़िया स्प्रेड करते हुए स्मूथ कर लेते हैं। जैसे बॉम्बे कराची हलवा होता है, बिल्कुल उसी स्वाद का लगता है खाने में और देखने में भी। 2 घंटे के लिए हम इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, या जल्दी हो तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमारा हलवा जम कर सेट हो गया है। एक नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। आप अपने मन पसंद छोटे या बड़े किसी भी साइज में कट कर लें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो हमने इस मिठाई को बाहर निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया
इसका टेक्सचर और इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है और कितनी शाइन है इसमें। आप एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपका हलवा कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक घर का खाएं, स्वस्थ रहें। बाय बाय।